देखिए आपके सिलेबस के अनुसार प्रथम सेमेस्टर है आपका, और प्रथम सेमेस्टर में आपका पहला ही पेपर रखा गया है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि सेकंड पेपर को आपको टच नहीं करना है। सेकंड पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा, जो आपके जून जुलाई में जाके होगा, तो सेकंड सेमेस्टर आपको देखना ही नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आपकी जो किताब है जिसका नाम क्या है, आदिकाल और भक्तिकाल, इनके पाठ जो है इन्हीं को देखना है, इन्हीं की व्याख्या देखनी है, इन्हीं के क्वेश्चन देखने हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चार काल बांटे गए हैं, जिनमें से आपके कौन से हैं, दो हैं, दो का मतलब आदिकाल और भक्तिकाल से है। तो आदिकाल का विषय क्या है, कौन प्रमुख लेखक हैं, कौन उसका नामकरण है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस किस ने क्या नाम दिया है, इधर भक्तिकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, आदिकाल भक्तिकाल किसी को भी जन्म देने वाली विभिन्न परिस्थितियां कौन कौन सी थी, भक्तिकाल कितनी धाराओं में बांटा गया है, और उनके प्रमुख कवि कौन कौन है, ये छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको इनमें से, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। और प्रथम सेमेस्टर में पहला ही पेपर रखा गया है। तो देखिए, अपने बात चल रही थी भक्ति काल की प्रमुख कवित्री हैं जो मीराबाई हैं, तो मीराबाई ने जिस तरह से लिखा है और उनके जीवन परिचय में अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ के रहने वाली हैं, किसके साथ उनकी शादी हुई थी, तो चार पांच पद अपने हो गए थे। अब जो अगला पद है आपका, वो क्या दिया है कि इससे पहले आपने पद पढ़ा था जिसमें बात क्या आई थी कि मीरा की भक्ति है माधुर्य भक्ति, प्रेमा भक्ति के नाम से जिसको जाना जाता है, सगुण साकार की भक्ति है, और अपने पति प्रियतम के मरने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति प्रियतम माना है। तो जिस तरह से उसके साथ उसके घर परिवार जिसमें उसका देवर है, उसका सास है, और जो लोग हैं जिन्होंने जिस तरह से यातना देना चाहिए है वैसी दी है, लेकिन इन सभी में खरी उतरी है मीराबाई, और उनका इसके पीछे किसका हाथ है, जो श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति की है उसके प्रति अटल विश्वास है, उसी ने सब चीज़ को उसके अनुकूल कर दिया। अरे से आपका पिटारा भेजा था तो उसको शालिग्राम बना दिया है, अमृत जो जहर का प्याला भेजा था उसको अमृत बना दिया, और सूल की जो सया थी सेज उसको भी फूलों में बदल दिया। तो ये उनका अटल विश्वास है अपनी प्रियतम कृष्ण के प्रति, और कृष्ण को ही अपना प्रिय पति के रूप में स्वीकार किया है। तो ये सारी बातें चल रही थी अपनी। अब देखिए अगला क्या दिया है, आराम से सुनिए, जिसके पास है वो देखो, नहीं तो फिर सुनो आराम से क्या दिया है। जोगी आजी निज दिन जाऊं जो बाट, जोगी आजी निज दिन जो बाट, जोगी आजी, अब ये जोगी आजी किसकी ओर संकेत किया है, श्री कृष्ण की ओर, और कोई नहीं है जोगी आजी। अरे जोगी आजी क्यों बोला है, क्योंकि जोगियों का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है जोगियों का, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जो है ना वो भी एक जगह नहीं टिकते हैं, कभी वो मथुरा में है तो कभी वृंदावन में है, और लास्ट में तो फिर मथुरा से भी द्वारका चले गए। तो उनको क्या बोला है, जोगिया जी निश दिन जो बाट, बाट मीन्स, बाट मीन्स होता है रास्ता। अरे आपने प्रियतम जो जोगिया जी के रूप में है श्री कृष्ण भगवान, उनका निश दिन, निश दिन का मतलब है रात दिन क्या करती है, जो जो का मतलब होता है इंतजार करना, कि जो बात कि मैं रात दिन जो जोगिया जी हैं, जो श्री कृष्ण है ना जिनको मैं प्रेम करती हूँ, उनका रास्ता मैं रात दिन देखती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। क्या दिया है आगे, पाम न चाले पंत दुहेलो, अब मेरा ये कहती है कि गलत तो मैंने काम कर दिया है, है?
गलत काम क्या कर दिया कि मैंने प्रेम किया है कृष्ण से, हैं? तो प्रेम किया है तो प्रेम का रास्ता कैसा होता है? कठिन होता है। प्रेम की डगर बड़ी कठिन होती है, उस पर चलना तलवार पर चलने के बराबर है। कब पैर फिसल जाए, कब कट जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या दिया है कि पाम न चाले, अरे जिस पथ को मैंने चुना है ना, उस पथ पर पाँव चलाना या चलना बहुत मुश्किल है। क्या दिया है? पंच दुहेलो। दुहेले का मतलब है कि दो प्रकार का पंथ दुहेला दिया है। पंथ, पंथ माने रास्ता, दुहेला इसका मतलब जिस रास्ते पे मैं चढ़ी हूँ ना, उसमें दो चीज है, एक प्रेम है और दूसरी भक्ति है, दो चीज है उसमें। क्या दिया है कि पंथ दुहेला, अरे वो रास्ता जो है ना जिस पर मैं बड़ी हूँ, हिम्मत तो नहीं पड़ रही लेकिन जिस पर बड़ी हूँ ना, अब रास्ते दो चीज है मेरे सामने, एक तो प्रेम है और एक मेरी भक्ति है। क्या दिया? आड़ा ओगढ़ घाट, और जिस रास्ते में चली हूँ ना, वो आड़ा ओगढ़ घाट का मतलब है कि वो रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा कठिन है जिस पर मैं चलने की सोच रही हूँ, क्योंकि वो रास्ता भाई सीधी बात है प्रेम का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाया गया है मीरा ने। क्या दिया है? नगर आज जोगी रम गया। अब जो मेरा प्रेमी है अर्थात जो कृष्ण है ना, जो जोगी है, वो कहा है नगर आए जोगी रम गया। अरे जिस प्रकार नगर में आके जोगी रम जाता है और वो मन प्रीत ना पाए, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रेम को हासिल नहीं कर सकी। क्या दिया है कि नगर आए जोगी रम गया। जैसे कोई जोगी आकर नगर में आकर रम जाता है अर्थात अपना निवास स्थान बना लेता है, लेकिन फिर भी रे वो मन प्रीत न पाए, इसका मतलब कि मैं फिर भी उसके प्रेम को नहीं पा सकती हूँ, फिर भी मैं उसके प्रेम को नहीं पा सकती हूँ, क्योंकि प्रेम का रास्ता जो है ना वो बहुत कठिन है, प्रेम की डगर बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाहते हुए भी उसे खुले में प्रेम नहीं कर सकती। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि लोक लाज निंदा। अरे कोई भी प्रेमिका है खुले में जाके चैलेंज के साथ अपने प्रेमी के साथ नहीं मिल सकती, तो यहाँ उसको भी क्या है? उसको भी लोक लाज निंदा है जिसके विषय में वो बात कर रही है। आगे क्या दिया है? मैं भोली भोलापन कीनो। अरे मैं भोली थी इसीलिए मेरे पे क्या हो गई? गलती हो गई। जो मैं जोगी जैसे कृष्ण है ना उससे प्रीत कर बैठी, अरे उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं तो मेरा क्या ठिकाना होगा, हैं? क्या दिया है? मैं भोली अर्थात मैं तो भोली थी अर्थात मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। और ऐसा ही होता है कल जब प्रेम की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो यही होता है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तो मैं भोली भोलापन, भोलापन का मतलब कि मैं निश्चल स्वभाव की थी, भोलापन था मेरे अंदर, तो मैं तो भोली थी, मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि प्रेम में कितनी परेशानी आती है, और मैं प्रेम कर बैठी कृष्ण से अर्थात जोगी से। क्या दिया है? कीनो भोलापन कीनो रा क्यों नहीं बिलमाई। और कभी भी मुझे उसने क्या नहीं दिया? रा क्यों नहीं बिलमाई। बिलमाई का मतलब क्या है? कि कभी मुझे उसने अपना नहीं बनाया, दूर कर दिया मुझे। अरे प्रेमी जो भी है, नायिका जो भी प्रेम करती है, अगर उसको अपना लेते तो फिर ठीक है, अगर प्रेम किया प्रेम करने के बाद अगर उसको नहीं अपनाया तो फिर उसका जीवन बेकार है। तो क्या दिया है? मैं बोली भोलापन किनारे भोलेपन में मैंने एक गलत कदम उठा दिया, रा क्यों नहीं मिलवाई, लेकिन उसने मुझे कभी भी प्रेम से अपनी क्या दिया है, अपना मुझे नहीं बनाया, तो उसको दुख हो रहा है। अरे कहीं एक आध बार दर्शन दे देते कृष्ण उसको प्रेम में तो उसकी भी आत्मा ठंडी हो जाती, लेकिन कभी उसने दर्शन नहीं दिए इसलिए अंदर से विश्वास नहीं हो रहा है उसको। क्या दिया है? जो गया तू जोवत बहुत दिन बीता अजब आयो नहीं। अरे जो जोगी है ना उसको देखते देखते
क्या हो गया, बहुत दिन बीता, क्या दिया है, जोग या को जोबत, जोबत का मतलब होता है इंतजार करना, और जोगिया को मतलब कृष्ण को देखते देखते बहुत दिन बीता, बहुत दिन का मतलब है बहुत दिन बीत गए लेकिन कृष्ण मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। ये कैसा प्रियतम है जिसे प्रेम भी करती हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। क्या दिया है, अजव आयो नहीं, अजव का मतलब है कि आज तक उसने मुझे आकर दर्शन नहीं दिए। अब बताओ मैं क्या करूं, जिसके ऊपर मेरा जीवन आश्रित है और वो ही आश्रित अगर नहीं आता है तो फिर मैं कुल खानदान घर परिवार की भी बुरी बनगी और वो आकर मेरे से मिलता भी नहीं है तो मेरा जीवन तो बेकार है। क्या दिया है आगे, ब्रह बुझावन अंतर आओ तपन लगी तन माही। ब्रह बुझावन, अरे मेरे अंदर जो ब्रह वियोग की क्या हुआ है, क्या हुई है, ब्रह बुझावन, अरे ब्रह वियोग प्रेम के कारण जो ब्रह वियोग हुआ है ना, उस ब्रह वियोग को बुझाने के लिए बुझावन, बुझावन का मतलब प्रेम की ब्रह वियोग की जो अग्नि है ना उसको शांत करने के लिए क्या दिया है, अंतरी आओ। अंतरी का मतलब मेरे अंदर जो प्रेम के ब्रह वियोग के कारण क्या जल रही है, आग जल रही है, उसको बुझाने के लिए तुम आ जाओ। क्या दिया है, आओ तपन, तपन लागी तन माही। तपन का मतलब, तपन का मतलब है कि अग्नि की जो तपन लगती है जिससे दुख मिलता है ना, लगी तन माही, तन माने शरीर, माही माने अंदर, अरे मेरे शरीर में ग्रह वियोग के कारण जो तपन लगी हुई है ना उसको बुझाने के लिए तुम आ जाओ, अन्यथा मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं जिंदी रहूं या नहीं। देखिए क्या दिया है, के तो जोगी जग में नाही, कह तो जोगी जग में नाही, कह विसारी मोही। अब किसी भी नायिका का कोई नायक नहीं आता है तो फिर वो उम्मीद क्या करती है, उम्मीद वो ये करती है, क्या दिया है, कह तो जोगी जग में नाही, अरे या तो मैं जिससे प्रेम करती हूँ ना वो संसार में नहीं है, इसका मतलब कहीं विदेश चला गया या फिर वो मर गया। भाई सीधी बात है कि जब उम्मीद करती हूँ वो नहीं आ रहा है तो फिर सीधी बात है, क्या दिया, के तो जोगी जग में नाही, अरे मैं जिससे प्रेम करती हूँ जिस जोगी से अर्थात कृष्ण से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तक तो मुझे आके संभाला नहीं है उसने, तो क्या दिया, के तो जोगी जग में नाही, इसका मतलब संसार में वो नहीं है, अरे होता तो वो आता और मेरे ग्रह वियोग की अग्नि को शांत करता, तो क्या दिया है, कह विसारी मोल, और वहां में दूसरी बात क्या दी है, कही विसारी मोल, विसारी का मतलब होता है भूलना, खैर उसने मुझे क्या कर दिया, भूल दिया, भुला दिया, इसका मतलब कि वही भूल सकता है जैसे भोरा होता है लंपट, उसी तरह से वो जोगी भी होगा, कहीं होगा उसने किसी और से प्रेम कर लिया होगा तो मुझे भुला दिया होगा, एक एक कल्पना होती है नायिका की जिसकी उसने क्या दिया है, कैर विसारी मोह, कि कह तो उसने मुझे भुला दिया या फिर वो संसार में नहीं है, वो उसके मन की भाव जो है उनको व्यक्त कर रही है, अपने दुख को बता रही है। आगे क्या दिया है, का करूं कित जाऊं री सजनी नैन घुमाऊं रोज। अब वो बिचारी अपने पति प्रियतम के लिए रो रो कर उसने क्या कर लिया, बुरा हाल, तो आंखों का क्या दिया है इसमें, नैन घुमाए और रो, अरे मैं तो रात दिन रोने में निकलते हैं मेरे, जो आंखें हैं ना रो रो कर कमजोर पड़ गई हैं, दिखाई भी कम देना पड़ गया है उसको, क्या दिया है, काय करूं कि जाऊं जी सजनी, सजनी में सहेली, सहेली सजनी सहेली समझाती है उसको कि भाई इतना बिलाप मत करे अपने प्रियतम के लिए, जब समय होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन क्या दिया है, काय करूं कि जाऊं, अरे मैं क्या करूं और कहां जाऊं, क्या करूं कहां जाऊं री सजनी, के है सखी कि मुझे ये बता दे कि मैं अब क्या करूं और कहां जाऊं, सारे रास्ता बंद हो चुके हैं, अगर वापस लौट के जाती हूं तो फिर जो महल में घुसने नहीं देंगे मुझे,
क्योंकि मैंने तो मान मर्यादाएं लोक लाज सारी तोड़ दी हैं, तो काय करूं कि जाऊं री सजनी नैन घुमाया रोए, और रात दिन मैंने रो रो कर अपने आप को भी बेकार कर लिया, लेकिन मेरा पति प्रियतम आज कर लौट कर वापिस नहीं आया है। क्या दिया है, आरती तेरी आंतरी मेरी मेरे के, आरती तेरी अब आरती आरती दिया है। ये आरती जैसे आरती बोलते हैं ना अपने, वही शब्द है लेकिन इसमें छोटी की मात्रा लगा दी और उसमें बड़ी की लगती है, लेकिन संकेत वही है। आरती करने का संकेत क्या है, भगवान का स्मरण कर, यही तो है आरती का मतलब। तो ये क्या दिया, आरती तेरी अंतरी मेरे, इसका मतलब कि मैं हमेशा तुझे अंतरी, अंतरी माने हृदय, कि मैं हमेशा हृदय में तुझे क्या करती हूँ, याद करती रहती हूँ। क्या दिया है, आरती तेरी अंतरी मेरे, अरे मेरे हृदय में मैं तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। क्या दिया है, आओ अपनी जान, आओ अपनी जान, अरे तुम एक बार मुझे अपनी जान कर एक बार आ जाओ, अर्थात मुझे दर्शन दे दो, और अपनी जो नायिका है ना उसको एक बार शांत ना बना दो आकर। क्या दिया है, मेरा व्याकुल ग्रहणी रे, मेरा व्याकुल, अरे व्याकुल का मतलब है ग्रह, व्याकुल से परेशान है मेरा, तो मेरा व्याकुल ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब ग्रह वियोग के कारण मेरा व्याकुल है, परेशान है। क्या दिया, मेरा व्याकुल ग्रहणी रे तुम बिन तलफत प्राणी, अब मेरे जो प्राण है ना ये बस शरीर में शेष बचे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं तुम बिन, अर्थात श्री कृष्ण के बिना तलफत, तलफत का मतलब तड़पना, कि जो तड़पना है शरीर के अंदर प्राण, वो तड़प रहे हैं किसको, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, इसलिए मीरा व्याकुल ग्रहणी, अरे मीरा है ना वो ग्रह वियोग में व्याकुल है, परेशान है, और मेरे जो जीव है जो प्राण है ना वो आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि आप एक बार आ जाएं और मुझे दर्शन दे दें, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो। इस तरह से मीरा अपने जोगी जो प्रीतम है श्री कृष्ण उनके प्रेम को किया है प्रेम, लेकिन प्रेम करने के कारण कितनी परेशानी है, अपने वृह वियोग के दुख को उन्होंने दिखाया है, ठीक है।